क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे पहले लंबी टेलीस्कोप किसने बनाया? तो चलिए आइए इस रहस्य की खोज पर चलते हैं। टेलीस्कोप की कहानी शुरू होती है 17वीं सेंचुरी में, जब कारीगर और वैज्ञानिक नए तरीके से आकाश को एक्सप्लोर करने का सोच रहे थे। पहला टेलीस्कोप नेदरलैंड्स में दिखा। ये बिल्कुल वही चमकदार हाईटेक दूरबीन नहीं था जो आज हम जानते हैं। इसमें एक कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस एक ट्यूब में थी। डच इन्वेंटर जेकब मेशेस और हंस लिपहे टेलीस्कोप के प्रारंभिक सहायक थे। उन्हें अपने डिवाइस के लिए एक पेटेंट भी मिला। लेकिन इटालियन वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीलेई, जिन्होंने सच में टेलीस्कोप को रिवॉल्यूशनाइज किया, वैसे तो उन्होंने टेलीस्कोप को नहीं बनाया, लेकिन वो बढ़ते हुए मैग्निफिकेशन वाले टेलीस्कोप बनाने में माहिर थे। गैलीलियो ने अपने टेलीस्कोप से ऐतिहासिक खोजों को प्रारंभ किया, जैसे कि जुपिटर के चंद्रमा और चांद पर क्रेटर्स, जिससे उस समय के ब्रह्मांड को समझने की नई दिशा मिली। टेलीस्कोप उस समय से आज तक कई गुना सुधर चुकी है और आज हमारे पास आकाश में दूर तक देखने के लिए शक्तिशाली टेलीस्कोप है। तो अगले बार जब आप टेलीस्कोप से तारे देखते हैं, तब याद रखिएगा कि ये टेलीस्कोप खुद एक लंबी जर्नी करके आया है।